नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एमसीडी में हुए हंगामे को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के घर पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंची और साथ ही आपको बता दें उपराज्यपाल के आरोप लगाया है कि वे बीजेपी के एजेंट ना बनकर अपने संवैधानिक पद की गरिमा का मान रखे और संविधान की हत्या ना करे। इसको लेकर ब्यूरो चीफ आप नेता आतिशी और साथ ही सोमनाथ भारती से बातचीत किया है। हमारे ब्यूरो चीफ ने क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। कल एमसीडी के सदन में जिस तरीके से हंगामा हुआ, उसके बाद आज आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से मुखर होकर एलजी के घर का घेराव कर रहा है। आतिशी मेरे साथ मौजूद हैं, कल हंगामा भी देखा, आज दूसरा एक तरीके से एलजी साहब का, वजह क्या लग रही है? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब एमसीडी में आई है, उसकी वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने एमसीडी से निकालकर बाहर फेंका है। आम आदमी पार्टी एक लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से एमसीडी में बहुमत लेकर आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि गैर संवैधानिक तरीके से बैकडोर से किसी तरीके से उसकी सरकार बन जाए, और एलजी साहब उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। एलजी साहब पहले गैर कानूनी तरीके से सारी संवैधानिक परंपराओं को ताक पर रखते हुए एलजी साहब पीठासीन अधिकारी गलत तरीके से अपॉइंट करते हैं, उसके बाद एलजी साहब गैर संवैधानिक तरीके से मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, और कल सबसे बड़ी साजिश करते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को मेयर के चुनाव में वोट डलवाने की कोशिश करते हैं, जब संविधान ये कहता है कि नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डाल सकते, जब एमसीडी एक्ट ये कहता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डाल सकते, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब द्वारा ये गैर संवैधानिक कोशिश हो रही थी? आपको क्या वजह लगती है, क्यों पहले मनोनीत पार्षद को ही शपथ दिलवाई जा रही है? क्या कानून में फेर बदल करके या अपनी मर्जी से इस तरीके की चीजें हो रही थी? क्योंकि गैर कानूनी तरीके से मेयर के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर से वोट डलवाने की कोशिश की जा रही थी, वरना करवाते पहले मेयर का चुनाव, उसके बाद मेयर दिलवा देती है उनको शपथ। क्यों मेयर के चुनाव से पहले सबसे पहले नॉमिनेटेड काउंसलर को शपथ दिलवाई जा रही थी? इसलिए दिलवाई जा रही थी क्योंकि वो मेयर के चुनाव में उनसे वोट डलवाना चाह रहे थे, और बैकडोर से पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जीत तो गई है, लेकिन देखते हैं मेयर किसका बनता है। आम आदमी पार्टी की मेजोरिटी तो है, लेकिन देखते हैं मेयर किसका बनता है। इसमें एक चीज़ ये भी थोड़ा सा रूल ये भी है कि मेयर, चलिए आपके पास बहुमत है, मेयर आपके, लेकिन सर्वे सर्वा पूरा स्टैंडिंग कमेटी होती है, तो क्या आपको लगता है कि वो स्टैंडिंग कमेटी को जो है पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करने की वजह से सिर्फ ये चीज़ें हो रही हैं? देखिए, ये तो मैं कह ही रही हूँ, बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, और एलजी साहब जिनकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करना, वो भारतीय जनता पार्टी की बैकडोर से गैर संवैधानिक तरीके से सरकार बनाने में संविधान की हत्या कर रहे हैं। एलजी साहब को, विनय सक्सेना जी को शर्म आनी चाहिए। आज आपने घर का घेराव किया, अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगर एलजी साहब संविधान की हत्या करेंगे तो हम सड़क से लेके संसद तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर एक सीधा संदेश उपराज्यपाल को लेकर है कि अगर इस तरीके की चीजें दोबारा हुई तो सड़क से लेकर संसद तक एक बार फिर आम आदमी पार्टी हल्ला बोलती नजर आएगी। विजिलेंस वसीम अकरम के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। कल मेयर के चुनाव में जिस तरीके से पूरे सदन में हंगामा हुआ, उसको लेकर आम आदमी पार्टी एक बार फिर एलजी के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन कर रही है। मेरे साथ सोमनाथ भारती जी हैं। सोमनाथ जी, कल हमने देखा कि जिस तरीके से सदन में हंगामा हुआ, आज आप लोगों ने एलजी का घेराव किया, किस वजह से और क्या क्या चीज़ मुद्दे निकल के सामने आ रहे हैं जो कल सदन में जिस तरीके से हंगामा हुआ? देखिए, एक चीज़ साफ साफ है, भाजपा के दिल में तनिक भी सम्मान नहीं है भारत के संविधान का। बाबा साहब ने संविधान देश को दिया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ आर्टिकल 243R में कि जो निर्वाचित पार्षद हैं सबसे पहले उनका हक है शपथ लेने का, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, निर्वाचित करो जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनके शपथ लेने का पहला हक है। उसके बाद मेयर के चुनाव होगा, उसके बाद जो मनोनीत पार्षद हैं उसकी फाइल जाएगी और उनका भी चुनाव कौन करेगा? वो करेगा दिल्ली सरकार। माननीय एलजी साहब ने सबको दरकिनार कर दिया, जिस प्रकार से संविधान की हत्या की है, जिस प्रकार से मनोनीत पार्षदों को आगे रखकर भाजपा की जो एक चोर दरवाजे से अंदर आने की जो उसकी मंशा है उसको साथ दिया है माननीय एलजी साहब ने,
ये बहुत निंदनीय है। वजह क्या लगती है, क्यों इस तरीके की चीजें क्यों कही गई, क्योंकि ये परंपरा भी रही है और कई काफी टाइम से जब ये आर्टिकल इस तरीके का है तो उसके बाद क्या वजह क्या लगती है? वजह यही है कि भाजपा स्वीकार नहीं कर पा रही कैसे माननीय मोदी जी के नाक के नीचे दिल्ली में दिल्ली के जनता ने मोदी जी के अलावा के बजाय माननीय केजरीवाल साहब को आगे रखा। वही मेयर चुनाव को लेकर जबरदस्त हंगामा दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ ने आप नेता आतिशी और साथ ही सोमनाथ भारती से बातचीत की है, लेकिन संशय अभी भी बना हुआ है जो मेयर के चुनाव में किसके हाथ में आता है। क्या आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव में सिक्का जमा पाती है या बीजेपी जमा पाती है, देखना दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के आज अजीबोगरीब हाल है। आलम यह है कि मंत्री के आदेशों पर ही नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री मयंकर, बता दें कि मयंकेश्वर शरण सिंह ने तकरीबन 5 महीने के पहले ही फॉर्म में जांच के लिए लिखा था, लेकिन पत्र में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि उस फॉर्म में लोग अधिकारियों के साथ साठगांठ करते अपने हिसाब में टेंडर में शर्त डलवाते हैं। राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने पत्र में लिखने के बाद से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग में मंत्री के पत्र पर ही आंख मूंद कर बैठी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में अफसरों की तानाशाही साफ तौर पर देखी जा रही है। मेयर जांच के लिए पत्र लिखे जाने से 6 महीने बाद भी बता दें कि अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और बता दें कि इस दौरान मेयर ने पत्र लिखा था और 6 महीने के बाद भी अफसरों पर अब तक इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बता दें कि लगातार कार्रवाई नहीं होती हुई नजर आ रही है, और साथ ही इस दौरान राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरद सिंह ने पत्र लिखने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और साथ ही ये साठगांठ साफ देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का अजीबोगरीब ये मामला देखने को मिल रहा है। मंत्री के आदेशों के बाद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है, और साथ ही बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने तकरीबन 5 महीने पहले ही फॉर्म में जांच कर लिखा था, और पत्र के बाद भी साफ तौर पर लिखा गया था कि उस फॉर्म में लोग अधिकारियों के साथ साठगांठ करके अपने हिसाब से टेंडर के शर्त डलवाते हैं। राज्य मंत्री के मयंकेश्वर शरण सिंह के पत्र लिखने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई इस मामले पर नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री के पत्र पर यह कहा है कि अब लगता है कि आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की तानाशाही साफ तौर पर इसके बाद देखने को मिल रही है। वही आगे बढ़ते हैं। हाथरस में रेडीमेड कपड़ों के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई है, जिससे इलाके में भगदड़ मच गई है। रेडीमेड कपड़ों के गोदाम में लगी आग से लाखों का सामान कपड़े जलकर खाक हो गए हैं। वहीं बता दें कि अचानक कपड़े की गोदाम में लगी आग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। कपड़े के गोदाम में आग लगने से सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया है। घटना कोतवाली बता दें कि सदर क्षेत्र के सदाबाद गेट स्थित रेडीमेड कपड़े के गोदाम का बताया जा रहा है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार भू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए भू माफियाओं के कब्जे में उनके छुड़ाने का काम कर रही है, तो वहीं जनपद मैनपुरी में आज भी भू माफिया बड़े पैमाने पर कब्जेदार हैं, जिन्हें सत्ता का लाभ बड़े पैमाने पर मिल नहीं रहा है, जिसके चलते ऐसे भू माफियाओं के विरुद्ध जिला प्रशासन भी कार्रवाई करने से बचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ग्रामीण के द्वारा दी गई शिकायत के बाद जनपद मैनपुरी में पहली
बार भूमि की मुक्ति कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कार्रवाई भू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने से निर्देश दिए हैं। तो वहीं बता दें कि निर्देश का पालन करते हुए SDM घिघोर और साथ ही राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और साथ ही पैमाइश की गई है। वही श्रावस्ती में मॉडर्न थाना श्रावस्ती गांव में बगहा में एक विवाहित महिला अज्ञात कारणों से छत से नीचे गिर गई है, जिसके वे गंभीर रूप से घायल हो गई है। सूचना पर पहुंचे पुलिस वालों ने एम्बुलेंस की मदद से पीड़ित को CHC इकोना भिजवाया है, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर पीड़ित की गंभीर हाल देखकर वहां जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया है। वहीं मायके वालों और पीड़ित ने बताया है कि दहेज मांगने के विवाद से आक्रोशित होकर पति ने गुरुवार की देर शाम छत पर मारपीट कर धक्का मारकर नीचे गिरा दिया, और जिसके बाद से बताते हैं कि महिला छत से गिर गई है और अब वो महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज लगातार जारी है। हमीरपुर में अवैध हथियारों के साथ दो दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला किया है। दबंगों ने घर में घुसकर छात्रा और उनके परिजनों से मारपीट की है। आपको बता दें कि छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर परिजनों ने विरोध किया था, जिसके बाद से दो दर्जन दबंगों ने अवैध अल्लाहों के साथ घर में घुसकर छात्र और परिजन के साथ मारपीट की है। वहीं पुलिस ने 12 नामजद सहित एक दर्जन अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ 9 लोगों पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस दौरान आरोपी जो थे वो फरार चल रहे थे, जिसके बाद से पुलिस ने लगातार मामला दर्ज कर लिया है। और ये पूरा मामला बता दें कि थाना क्षेत्र के बंगवा गांव का बताया जा रहा है। विकासगंज के सदर कोतवाली में इलाके में चोरों का गैंग सक्रिय हो गया है। सर्द रात और घने कोहरे के बीच चोरों का गैंग शहर में वारदात को अंजाम देने के लिए बेखौफ घूम रहा है। यह चोर पुलिस के गश्त से आपको बता दें कि धता बता रहे थे, और साथ ही बता दें कि या यूं कहे कासगंज पुलिस सो रही थी और चोर जाग रहे थे। मामला कासगंज सदर कोतवाली इलाके के सूत की मंडी का बताया जा रहा है, जहां देर रात चोरों ने गैंग CCTV कैमरे में कैद हुआ है। और सूत की मंडी इलाके में यह गैंग पहुंचकर पहले रैंकी करता है और फिर उसके बाद से गली में लगे सभी CCTV कैमरे के कनेक्शन को काटना शुरू कर देता है। CCTV कैमरा कनेक्शन काटने के बाद से बीती रात घने कोहरे का फायदा उठाते हुए चोरों ने एक दुकान के छत पर चढ़कर उसका जाल काटा और इस दौरान चोरी की घटना को अंजाम दिया है। कासगंज सदर कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जिस दौरान बता दें कि यहां पर प्रदीप अग्रवाल नाम के व्यापारी के दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर यहां से CCTV कैमरे के बता दें कि DVR और साथ ही LED चुरा कर ले गए हैं। इस मामले में कासगंज के पुलिस ने SP BBGAS मूर्ति और साथ ही बता दें उन्होंने इस मामले में जांच के बाद से कोई वर्जन देने की बात नहीं कही है। हम लोग उसी साहब, ये हमारे आसपास में कुछ दुकानें हैं, मेरी दुकान प्रेम मोबाइल के नाम से है, बरार में राजू मोबाइल के नाम से दुकान है। ये रात के करीब 1 या 1:30 बजे समथिंग ये कुछ 4-3 या 4 लोग आकर के
दुकानोंखोली के संभावना करते हुए 3-4 दुकानों के हमने काटे। कुछ माल वगैरह कुछ चोरी तो नहीं हुआ अभी? नहीं था, अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है। दुकान पूरी तरीके सही है। पुलिस मौके पे आई थी? पुलिस तो ना कोई मौके पर नहीं पहुंचे अभी तक। रात अज्ञात चोर मेरी दुकान में ऊपर से शटर जाल काट कर नीचे आए और LED लेकर गए और पूरी दुकान का मुआयना करके गए और सारा सामान बिखेर के गए और तिजोरी वगैरह ये सारा सामान बिखेर के गए और SHO सर आए हैं, उन्होंने पूरी दुकान की लूटिंग करी है और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनको पकड़वाएंगे और पूरा। वही बांदा में खेत के रखवाली करके घर लौट रहे किसान की ठंड से मौत हो गई है। मृतक किसान के पास से कुल 4 बीघा जमीन थी। किसान आपको बता दें कि अन्य जानवरों के चलते गेहूं की रखवाली करने के लिए गया हुआ था। मामला बेबरू थाना अंतर्गत पढ़री गांव का बताया जा रहा है, जहां पर लगातार इस ठंड से एक किसान की फिर से मौत हो जाती है। यूपी के फतेहपुर में एक दिवसीय दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुंबई से इन्वेस्टेड सिम आपको बता दें कि सीमित को लेकर उद्योगपतियों के साथ हो रही बैठक पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अखिलेश की सरकार में उद्योगपतियों के द्वारा उद्योग लगाने के लिए जमीन खरीदने पर नेता उगाही करने पहुंच जाते हैं। योगी सरकार के अच्छा माहौल मिलने पर उद्योग लग रहा है। फतेहपुर जिले के सांसद और केंद्र मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि अखिलेश की सरकार में उद्योगपतियों से उनके नेता उगाही करते थे, जिस कारण कोई भी उद्योगपति यूपी में उद्योग नहीं लगते थे। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार में अच्छा माहौल और सुरक्षा मिलने पर उद्योगपति उद्योग लगा रहे हैं। टेढ़ा जी, उत्तर प्रदेश उगाही का उद्योग धंधा बन चुका था। मैं फूड प्रोसेसिंग विभाग में थी। मैं स्वयं एक इन्वेस्टर समिट की थी दिल्ली में, बहुत बड़ी। मैं 3-4 देशों में गई थी तो बोले नहीं, हम यूपी में नहीं कर सकते हैं। अखिलेश की सरकार थी तब, एक जमाना वो था। आज उद्योग लगाने के लिए उद्योगपति आ रहे हैं तो माहौल चाहिए उद्योग लगाने के लिए, वातावरण चाहिए। नहीं, उद्योगपति आए, जमीन खरीदे और नेता पहुंच जाओ गई के लिए, ऐसा होता रहा है। इसीलिए कोई उद्योग नहीं आया। अब सरकार हमारी माननीय योगी जी के नेतृत्व में माहौल भी अच्छा है उद्योग लगाने के लिए। जब तक उद्योग नहीं लगेंगे तो हमारे प्रदेश में रोजगार कैसे बढ़ेंगे? उद्योग धंधा के लिए लोग आ रहे हैं, ये तो स्वागत ही योग्य है, सबको स्वागत करना चाहिए। अब वो जो नहीं कर पाए उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। लूट होती रही है मेरे कोई, हम जो कर रहे हैं वो बताने के लिए। हरदोई में आवारा गौवंशों से परेशान किसानों ने लाठी डंडे हाथ में लेकर सड़क पर लेकर बता दी कि कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया है और उनके बाद से जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन मजिस्ट्रेट को देकर समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले जिलाध्यक्ष श्वेतराम शर्मा के नेतृत्व में कलेक्टर ने प्रदर्शन करने पहुंचे और ये किसान हाथ में डंडा लाठी डंडे लिए हुए थे और अपनी समस्याओं को लेकर बता दी कि तख्ती लगाकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर पहुंचे थे। यहां ग्रामीणों को किसान ने बताया है कि आवारा गौवंश से उन सब की फसलें खराब हो रही है। गांव में जो गौशाला बनी है उनमें जानवर नहीं रहते हैं बल्कि खेतों में ही जानवर चरा करते हैं, जिसके चक्कर में फसलें जो है वो नष्ट हो जाती हैं। बड़ी संख्या में लाठी डंडे लेकर पहुंचे किसानों को देखते हुए CO सिटी विनोद द्विवेदी शहर कोतवाली भी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे और इस दौरान कलेक्टर पहुंचते हुए और अधिकारियों ने किसानों से वार्ता कर उनके बाद ज्ञापन लिया है। जिलाध्यक्ष ने बताया है कि किसानों की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया गया है, सुनवाई नहीं की जाती है तो फिर से अनिश्चितकालीन धरना भूख हड़ताल करेंगे। सहारनपुर में रेलवे पैसेंजर समाज द्वारा रेलवे स्टेशन पर गर्म चाय तथा बिस्किट सेवा शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में शुभारंभ स्टेशन अधीक्षक
अनिल त्यागी के द्वारा किया गया है। वहीं भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर इस अभियान की शुरुआत की गई है। रेलवे पैसेंजर समाज के संस्थापक आरसी शर्मा ने कहा है कि गर्म चाय और बिस्किट सेवा संस्था के लिए बता दें कि पदाधिकारियों और सदस्यों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। अब खबर कानपुर से है, जहां पर रायपुरवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने युवतियों से अगवा कर बेचने वाले गैंग को दबोच लिया है। वहीं पकड़े गए गैंग से एक महिला सहित 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यह गैंग आधा दर्जन लड़कियों को बहला फुसला कर 40-50 हजार में बेचते थे और इन युवतियों को अलग अलग शहरों से अगवा किया गया है। वहीं पुलिस और साथ ही सर्विलांस टीम अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और बेची गई युवतियों की बरामदगी का प्रयास कर रही है। डीसीपी का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया है कि हरदोई, शाहजहांपुर, हापुड़ और बिहार में लड़कियों के बेचने का काम करते हैं। उनका कहना है कि इस पूरे नेटवर्क का ध्वस्त करने के लिए पुलिस की पूरी टीम काम कर रही है और इस गैंग में लोगों के आधा दर्जन लड़कियों को जहां बेचा है उनमें सकुशल बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। गाजीपुर के दुल्हनपुर थाना क्षेत्र में एक फर्जी पुलिस उप निरीक्षक को पुलिस ने ठगी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गाजीपुर के मरहदा थाना क्षेत्र के धड़िया गांव निवासी फर्जी उप निरीक्षक संजय कुमार काफी दिनों से थाना क्षेत्र बदल बदल कर लोगों को पुलिस का भय दिखाकर धन वसूली किया करते थे। इसके खिलाफ विभिन्न थानाओं में मुकदमा दर्ज था, जिसके बाद से काफी दिनों से पुलिस ने इस की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस वर्दी के फर्जी उप निरीक्षक संजय कुमार नाम बदलकर अपने को ऋषि प्रताप सिंह उप निरीक्षक बताकर काफी दिनों से लोगों को चूना लगा रहा था। कल थाना प्रभारी दुल्लापुर को कुछ स्थानीय लोगों से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पुलिस की वर्दी लगा के घूम रहा है तथा लोगों को पुलिस के नाम पे भय दिखा के पैसे मांग रहा है। एक व्यक्ति से उसने कहा कि तुम्हारे खिलाफ किसी महिला ने शिकायत की है दुराचार की, अगर उसका सेटलमेंट करना है तो कुछ पैसे दीजिएगा। इस पर स्थानीय पुलिस सक्रिय हुई, वहाँ जाके उस व्यक्ति से पूछताछ की तो उसका आचरण संदेहजनक लगा, यद्यपि उसने वर्दी पहन रखी थी। जब जानकारी हुई तो उसने अपना नाम संजय बताया और लोगों को ये भी बता रहा था कि मैं दुल्लापुर थाने का ही सब इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन स्थानीय लोग थोड़ा बहुत जानते ही हैं, उन्हें भी संदेह हुआ। जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में एक निजी अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने और साथ ही मारपीट करने का आरोप लगाया है। अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली गई है, जांच कर ली गई है और साथ ही तथ्य सामने आएंगे, फिर उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल में एक मौत हुई है, क्या कारण है, क्या जानकारी है? ये थाना कोतवाली शहर का मामला है। रोहित कुमार सनाप नन्नेला ऊंचा थोप के रहने वाले हैं। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि इनके मामा का पैर टूट गया था, जो कि उन्नाव के रहने वाले हैं। उनको यहाँ पर रानी कटियारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 6 तारीख को उनका ऑपरेशन किया गया, उसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। जो कर्मचारी हैं अस्पताल के, उन्होंने उनका उसके बाद उनको रेफर करने का प्रयास किया और उनकी ऑक्सीजन निकाल ली, जिसकी वजह से उनकी लापरवाही उनकी डेथ हो गई है। सर, मारपीट का आरोप भी लगा रहे हैं परिजन। इसमें जो प्रार्थना पत्र मिला है उसमें मारपीट का आरोप लगाया गया तथा लापरवाही करने से उनकी डेथ का आरोप लगाया गया है। उचित धाराओं पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो सब उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी।
मथुरा में तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकतर जमीन विवाद के मामले में शिकायत पहुंची थी, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में मथुरा SDM अजय जैन ने शिकायतें की सुनी। मथुरा SDM ने बताया कि मथुरा तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस लाया गया। समाधान दिवस में कुल 44 शिकायतें आई है और 3 का निस्तारण कुछ सिखाते हैं और परिवार संबंध में आई है। अधिकतम शिकायतें जमीन विवाद को लेकर शिकायतें आई है, जिसके बाद से उन शिकायतों को सुना गया और निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बता दें कि यह मथुरा का मामला है, जहाँ पर लगातार लोगों की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद से SDM ने उन लोगों की शिकायत सुनी है और निस्तारण के निर्देश दिए हैं। जो ज़्यादातर शिकायतें रही वो भूमि विवाद और पुलिस विभाग से संबंधित रही है। सर, अक्सर करके देखा जाता है कि 80% कम से कम जमीन के संबंध में शिकायतें आती है, तो किस तरह देख रहे हो सब शिकायतों को, या फिर यहाँ इस तरफ रही या कैसे इस तरह की सुनवाई नहीं रुकती है, आप आती है जिस तरह लगातार शिकायत पर शिकायत बढ़ रही है। अब इसमें जो मैक्सिमम मामले रहते हैं वो निजी भूमि से संबंधित रहते हैं। जो अब निजी भूमि संबंधित मामलों में ज़्यादातर ये रहता है कि वो सक्षम न्यायालय या फिर मैं ही उसका वाद दर्ज करके उसका निस्तारण किया जा सकता है, तो लेकिन यहाँ पे कोशिश की जाती है कि उसको समझौते के आधार पर उसको शिकायत को निस्तारित किया जाए। शिकायतों का जो किस तरह की शिकायत थी उसमें, कुछ जैसे कि एक शिकायत ये थी कि जो स्वास्थ्य केंद्र के नाम पे जमीन हो गई थी और जच्चा बच्चा केंद्र में, तो दोनों एक ही बात है, कोई इसमें इशू नहीं था। अच्छा, देखा गया है कि आज समाधान दिवस लगाया तो कुछ अधिकारी मौके पर नहीं है, जो अधिकारी मौके पे नहीं है उनके खिलाफ एक स्पष्टीकरण जारी होगा। खाली पड़ी हुई है अभी, हाँ चल वो अब बाहर। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।